हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करारा सा नया नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, ऐसे में बार बार नाश्ता बनाने के झंझट से आज़ादी पाना चाहते हैं, तो एक बार इस रेसिपी को बनाइए और टेंशन फ्री हो जाइए। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना ही हमने बेसन का इस्तेमाल किया है और ना ही सूजी का, और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप इसके सामने समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक कटोरी लिया है मुरमुरा, जो वेट ने मुश्किल से 5 ग्राम है। नाप में एक कटोरी आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए, मैंने पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सिर्फ 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर अपने मुरमुरे को ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मुरमुरे को हम हल्का सा भूनेंगे, तो भूनने से क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा सोनापन आएगा, जो नाश्ते को सेफ रखने के साथ साथ टेस्टी बनाएगा। तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। इसे लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए 10 से 15 सेकंड हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि जितनी भी इसकी नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से भून लिया, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये ठंडा होगा हम दूसरा काम कर लेंगे, इसे साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे वापस से हम पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे 1/2 टीस्पून तक, और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच साबुत जीरा, सिर्फ 1/4 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसी के साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे साबुत धनिया, इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, लुक भी आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी हींग। तीनों चीज़ों को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। जब तीनों चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी, तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक, और यहाँ पे हमने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च ली है, यानी 1 हरी मिर्च है। आप चाहे तो इन दोनों का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसको हटा सकते हैं। प्याज डालने के बाद इसको हम 10 से 15 सेकंड लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे, ताकि प्याज हल्की सी पिंक हो जाए, काली नहीं करनी, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। यहाँ पे देखिए, प्याज बिल्कुल लाइट सी पिंक हो चुकी है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बच्चों के फेवरेट आलू, जिसको मैंने 2 आलू को इस तरीके से बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया है, फिर इस तरह से मैश कर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, मैश या ग्रेट जो भी करना है, आलू को ठंडा करके करना है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब आलू डालने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड अच्छे से भूनेंगे, ताकि आलू का जितना भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, 10 से 15 सेकंड मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर आलू को भून लिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे नींबू। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप इसकी जगह पे वाइट विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नींबू डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा नींबू इस तरीके से निचोड़ दिया है। तो फ्रेश नींबू लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप टमाटर को भी बारीक करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, नींबू डाल के इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक किया है। अब इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। इसमें हम 2 से 3 चुटकी डालेंगे टर्मरिक पाउडर, यानी हल्दी। ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो पीलेपन की जगह पे लालपन आ जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब एक खूबसूरत सा कलर है, इसके लिए हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक काश्मीरी लाल मिर्च। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाला, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसको हटाकर आप इसकी जगह पे ड्राई आमचूर पाउडर, यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मसालों को भी 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च या फिर स्पाइसी वाली लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, कुटी या पिसी वाली, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से मसाले को भी 10 से 15 सेकंड भून लिया है। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक हमें सबसे लास्ट में डालना है, तो नमक हमें इसीलिए लास्ट में डालना है, अगर हम पहले नमक डाल देंगे तो आलू और
प्याज अपना पानी छोड़ देंगे और स्टफिंग हमारी गीली हो जाएगी, फिर आप इस रेसिपी को स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे लास्ट में डालना है हमें नमक, और नमक डाल के हम 10 से 15 सेकंड वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे नाश्ते की जान फ्रेश हरा धनिया, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। हरा धनिया को अच्छे से वॉश करने के बाद फैन के नीचे रख देना, जब उसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए तब कट करके डालना। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। डियर, तो यहाँ पे देखिए धनिया डालने के बाद हमें इसे ज़रा नहीं पकाना, नहीं तो हरा धनिया का जो कलर है वो भी बेकार हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे गरम मसाला। तो ये गया हमारा लास्ट में गरम मसाला, जो हमने इस तरीके से दरदरा पीस के डाला है। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक पाउडर भी डाल सकते हैं, ये मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। अब हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब इसको हम साइड में रख देंगे ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए, गरम हमें नहीं इस्तेमाल करना है। तो चलिए जब तक ये ठंडी होगी तब तक हम दूसरा काम कर लेंगे, इसे साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुरमुरा हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, कितना ज़्यादा क्रिस्पी हो चुका है। तो इसीलिए हमें इसको हल्का सा भूनना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, जब इसका हम पाउडर बनाए तो बिल्कुल फाइन पाउडर हमारा बन पाए। तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे और बिना हम नमक बिना पानी डाले इसको हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे। तो चलिए इसको पाउडर बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से इसका पाउडर बना लिया इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बन जाता है। अगर आपने अच्छे से मुरमुरे को क्रिस्पी किया होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म करने के बाद अब इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे, बड़ी वाली, अगर आपकी छोटी है तो आपको दो गिलास डालना है। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1 से 2 बूंद ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और अब इसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे आपको बताते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे साबुत जीरा, जिससे बहुत ही अच्छा लुक भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। 1/4 चम्मच दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पीसी वाली भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमने आगे भी नमक का इस्तेमाल किया, इसीलिए बैलेंस के साथ काम करेंगे नमक के साथ। अब हमारे नाश्ते का प्यारा सा लुक है, इसीलिए हम इसमें 1 चम्मच डाल रहे हैं धनिया, इस तरीके से मोटा मोटा कट करके। अगर आपके पास धनिया ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डालें तो फ्रेश वाला डालें। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको हम 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो जब तक 1 उबाल नहीं आएगा हमें कुछ भी नहीं करना है, तो चलिए पहले 1 उबाल आने देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया। अब हमने जो पाउडर बनाया था इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे, एक साथ नहीं डालना है नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये देखिए एक हाथ से डालते जाइए और एक हाथ से मिक्स करते जाइए। अगर आप लोग 2 लोग हैं तो आप लोग 1 लोग की मदद ले सकते हैं, 1 लोग डालता जाए और आप मिक्स करते जाए। अगर मेरी तरह है तो इस तरीके से थोड़ा सा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर उसके बाद बाकी डालिए। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखना है, जो बर्तन लेना है थोड़ा सा भारी लेना है ताकि ये जले ना, और अच्छे से इसको हमें इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाए। ये देखिए कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे, तभी ये बिल्कुल अच्छे से आटे के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए इसीलिए हमने जो पानी की नाप बताई है आपको उतना ही पानी इस्तेमाल करना है, ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा, फिर आपको और मुरमुरा पीस के डालने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से ये बिल्कुल आ चुका है। अब गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, कवर नहीं करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, अब चलिए चेक करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण ले लीजिए और इसको इस तरीके से गोल कीजिए। अगर ये बिना क्रैक के अच्छे से गोल हो रहा है तो समझ जाइए आपका जो आटा है बिल्कुल अच्छे से बनने के लिए रेडी हो चुका है, जो हमने इस तरीके से बनाया है। अगर इसमें बहुत सारे क्रैक पड़ रहे हैं तो आपको थोड़ी देर और रखना है। तो देखिए मेरा बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है, यानी रेडी हो चुका है। अब इसको एक बर्तन में निकाल के हल्का सा ठंडा करेंगे, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, अभी हम इसे छुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो हल्का सा ठंडा करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छू पा रहे हैं, हल्का सा जब गर्म हो जाएगा यानी गरम रहेगा तभी हमें इसको अच्छे से मसलना है, और मसल मसल के थोड़ा सा चिकना करना है। ये देखिए अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जल रहा है तो आप अपने हाथों को पानी में डाल के अच्छे से भिगो के इसको अच्छे से मसल सकते हैं, लेकिन हल्का सा गरम गरम होगा तभी आपको करना है, तभी ये बिल्कुल अच्छे से आपस में मिल पाएगा, नहीं तो ये बिखरा बिखरा सा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मुरमुरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा होता है। ये देखिए अब अपने हाथों को हम वॉश करने के बाद इसे शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया, अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं, और हथेली को इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मिश्रण का पार्ट लेंगे, यानी नींबू के आकार से थोड़ा सा बड़ा, और इसको हम इस तरीके से हल्का सा मसलेंगे, और मसलने के बाद इस तरह से गोल करने के बाद इस तरीके से हम फ्लैट कर लेंगे। ये देखिए
और यहाँ पे देखिए जो हमारी स्टफिंग थी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमें इसको लेना है, इस तरीके से गोल करना है ताकि जब हम इसको फिल करें तो ये बिल्कुल बराबर से सेट हो जाए। ये देखिए नींबू के आकार का लेना है और इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इस तरीके से अंदर की तरफ पुश करते हुए इसको दबाना है और यहाँ पे हमें इसको अच्छे से लॉक करना है। ये देखिए इसको बिल्कुल अच्छे से बंद कर देना है। तो यहाँ पे आपको कोई भी बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बेलना है, और इस तरीके से हथेली को रखते हुए हल्का हल्का सा दबाना है और स्टफिंग को हमें चारों तरफ फैलाने के लिए इस तरीके से इसके ऊपर करना है। इससे क्या होगा, स्टफिंग बराबर फैलेगी। तो ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से बाकी भी रेडी कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मैंने इतनी रेडी कर ली है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। आप इस तरह से बना के इसे हवा बंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, जब आपका मन हो या मेहमान आए आप निकाल कर बना सकते हैं, और बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत हो। चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप कोई भी बर्तन लीजिए, थोड़ा सा फैला हुआ लीजिए। तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से हाई फ्लेम पर गर्म करना है। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। तो यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि हमें एक बार में उतनी ही डालना है जितनी कि पलटने में दिक्कत ना हो। अगर आपकी कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप इसमें 5 से 6 डाल सकते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है इसलिए मैंने 3 डाला है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती एक साइड। आपको इसे टच नहीं करना है, गैस का फ्लेम मीडियम इसलिए रखना है, अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल्दी से कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कुरकुरी और क्रिस्पी नहीं होगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी, तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर पकाना है, तब ये कुरकुरी और क्रिस्पी और अच्छे से अंदर तक कुक हो पाएंगी। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 से 3 मिनट हो चुका है मीडियम फ्लेम पे इसे पकाते हुए। ये देखिए इस तरीके से ऊपर की तरफ आने लगती, तो समझ जाइए बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। ये देखिए अब इसको हम टर्न कर देंगे और दूसरे साइड भी हम इसको 2 मिनट बनाएंगे। तो टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आपको इसे खा के मज़ा आ जाएगा। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे फिर से निकालेंगे यानी चेक करेंगे। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो गई है। ये देख लीजिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, कितने अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो टोटल इसको बनाने में आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा बस, और इस तरीके से हम इसको रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस चला जाए। और अब इसको हम निकाल लेंगे और जो हमारी एक बच्ची है उसको बनाने के बाद आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज़्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको दिखा देते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है और सारे हमारे इसी तरीके से क्रिस्पी बने हैं और काफ़ी ज़्यादा जल रहा है। जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और कुरकुरा और क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से ये हार्ड है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरीके से कितना ज़्यादा खस्ता बना है। और यहाँ पे आप इसे केचप के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे मोमो चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ दिखा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। आप इसे बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से इसके फिल है, तो मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और इसे छोटी मोटी पार्टी में बनाकर मेहमानों का दिल जीत लीजिए। तो कमेंट के जरिए हमें फीडबैक देना मत भूलना और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर देना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।